आने दीजिए, माननीय सांसद जी के बेटे हैं, कृपया दौड़ कर आ जाए, मालापुर में लग जाए। मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और मेरे छोटे भाई श्री कौशल किशोर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमापति राम जी त्रिपाठी, राजा साहब मलिहाबाद कुंवर भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी शर्मा, श्री वीरेन जी तिवारी, और इस मंदिर के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है नंदकिशोर रावत, लखनऊ महानगर के अध्यक्ष श्री मनोहर सिंह जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर मैं पहली बार आया हूँ, इसके पहले तो कभी आया था कि नहीं आया था, पहली बार यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आया हूँ तो ठीक तरीके से आया हूँ। जब यहाँ पर बालाजी का मंदिर बना है तब कौशल जी ने आमंत्रित किया था, उसका लोकार्पण है, पूजन करना है, तो मैंने कहा कि मंदिरों का लोकार्पण हम जैसे लोग नहीं कर सकते, यहां भी परमात्मा की प्रतिमा विराजित हो जाती है, उसका लोकार्पण अपने आप हो जाता है, किसी के द्वारा लोकार्पण करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस अवसर पर पूज्य बालाजी का भी दर्शन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, और जब मैं यहां पर आया हूं तो 51 किलो की दो मालाएं पहनाई गई, और अकेले पहना दिया जाता तो तीन लोगों ने और दो लोगों के कंधे लगे थे, मैं अकेले रहता तो शायद मैं बैठ जाता, और उसके साथ ही चांदी के मुकुट, क्या पूछना। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार और स्नेह दिया है उसे हृदय की गहराइयों से स्वीकार करता हूं, लेकिन यह चांदी का मुकुट, जितने भी चांदी के मुकुट हैं सारे मुकुटों को मैं यही छोड़कर जाता हूं, और इस उद्देश्य से छोड़कर इसे जाता हूं, झोपड़ी में रहने वाली कोई बेटी शादी होने के बाद यदि घर से विदा हो रही हो और उसके पैरों में चांदी की भी पायल न हो तो यह मुकुट तोड़कर उसके पैरों की चांदी की पायल बनवा देना, इस कारण से मैं छोड़कर जा रहा हूं। कौशल जी ने कहा कि मंदिर में जाते हैं अथवा किसी भी पूजा स्थल में भी हम प्रवेश करते हैं, नेक काम करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, यानी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा हमको प्राप्त होती है, यह सच कहा उन्होंने। लेकिन यह प्रेरणा कैसे प्राप्त हो, और यदि यह प्रेरणा प्राप्त हो गई होती तो मैं समझता हूं कि आज भारत में जो गरीबी, बेरोजगारी, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव, यह सारा समाप्त हो गया, और सचमुच हम इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, और मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर इबादत करने से, गिरजाघर में जाकर सिजदा करने से यदि हम कोई प्रेरणा हासिल करते हैं, नेक यदि हम बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो उसमें तभी कामयाबी हमको हासिल हो पाएगी जब हमारा मन बड़ा होगा। छोटे मन से कोई भी व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं बन सकता है, अच्छा इंसान यदि कोई बन सकता है तो केवल बड़े मन से ही कोई व्यक्ति अच्छा इंसान बन सकता है, छोटे मन से कभी नहीं बन सकता, और शायद यही बड़प्पन रहा होता भारत जो कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन था, आज भी भारत सारे विश्व की अगुवाई कर रहा होता, नहीं रहा। मैं भूल नहीं सकता वह संत रविदास
काशी की एक झोपड़ी में रहते, उनके पास भगवान राम की एक सिद्ध प्रतिमा थी। सिद्ध प्रतिमा थी, बहुत छोटी सी, वह सोने की बनी हुई प्रतिमा थी, बहुत छोटी। और कोई भी यदि दर्शन करने आता था तो संत रविदास जो है उठाकर सीधे भगवान राम की जो प्रतिमा है लोगों को दिखाकर दर्शन करा के उसे फिर अपने झोपड़ी में रख देते। काशी नरेश का आपने नाम सुना होगा। काशी नरेश के दिल में यह इच्छा पैदा हुई, कोई सिद्ध प्रतिमा संत रविदास के पास है, वह झोपड़ी में रहते हैं, तो उन्होंने संदेश अपने दूतों के माध्यम से भेजा कि संत रविदास को जाकर यह कहो, जो भी उनके यहाँ सिद्ध प्रतिमा है भगवान राम की, उसे वह वापस कर दें, जितना पैसा कहेंगे उतना पैसा मैं उन्हें देने को तैयार हूँ। उनके दूत जब संत रविदास के पास पहुंचे तो संत रविदास ने उन्हें मना कर दिया, कहा कि चाहे जितना भी पैसा दे दें, मैं अपने भगवान राम को किसी भी सूरत में राजा के हवाले नहीं कर सकता। स्वयं चलकर काशी नरेश जब झोपड़ी पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा का जितना वजन है उतने ही वजन का सोना दे दूंगा। फिर यह कहा 10 गुना वजन का इस सोना मैं आपको देने को तैयार हूं। फिर भी संत रविदास ने कहा कि हमें धन नहीं चाहिए, हमें तो केवल इन्हीं का सहारा चाहिए, यही हमारे सब कुछ है। अंत में काशी नरेश ने यह कहा कि मैं आपकी पूरी झोपड़ी ही मैं सोने से बनवा देने को तैयार हूं। फिर भी संत रविदास ने अपने इष्ट भगवान राम को उन्हें दिया नहीं, और वह संत रविदास का दर्शन करने के लिए एक से एक दिग्गज सारे लोग उनके पास पहुंचते। जाति की दृष्टि से देखा जाए तो जाति उनकी कौन सी थी संत रविदास की, आप जानते हैं, वह बड़े बन गए, महान बन गए, पूज्य बन गए। छोटे मन का यदि वह रहे होते तो शायद वह पूज्य न बनते, बड़प्पन था। तो मनुष्य यदि समाज में बड़ा होना चाहता है तो उसका मन बड़ा होना चाहिए, अपनी ही नहीं बल्कि उसे समाज की भी चिंता करनी चाहिए। मैं समझता हूं जो भी इस प्रकार के पूजा स्थल हैं उन पूजा स्थलों से यही हमको प्रेरणा प्राप्त होती है यदि हम सभी अपने धर्मों का पालन करें। तो मैं समझता हूं सुख समाज में सुख और शांति की स्थापना हो सकती है। आज जब मैं आप लोगों के बीच यहां खड़ा हूं तो बहुत राजनीतिक बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कौशल जी यहां पर मौजूद और मैं कौशल जी को जानता हूं। कौशल किशोर बड़े धुआंधार सांसद, बहुत धुआंधार सांसद, मैं इनके भाषण को बहुत ही गौर से सुन रहा था। संसद में भी कौशल किशोर जी बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं इतना ही कहूंगा। बहुत आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद अनावश्यक ये कौशल किशोर की तारीफ कर रहे हैं, ऐसे नहीं। कौशल किशोर को मैंने प्रभावी तरीके से बोलते हुए संसद में भी सुना है, आपकी समस्याओं को बराबर संसद में आवाज देने का काम। एक दमदार नेता तो कम से कम आपको मिला है जो कि आपकी आवाज को यहां से लेकर दिल्ली तक बराबर बुलंद करने की कोशिश करता है, और जिन समस्याओं की उन्होंने चर्चा की है मैं जानता हूं कि बहुत सारी कठिनाइयां पैदा होती हैं, अड़चनें पैदा होती, फिर भी यह सतत प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन इतना मैं इन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं, कुल समस्याओं के समाधान के लिए हमारे जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी मैं पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हूं। और आज आप लोगों से मिलकर बेहद खुशी हुई। जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार केंद्र में आप लोगों ने बनाई है, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं। भारत का हर व्यक्ति सहज रूप से सच्चाई को स्वीकार करेगा, चाहे कुछ हुआ हो अथवा न हुआ हो, इस हकीकत को कोई नकार नहीं कर सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। तरह तरह के बेबुनियाद निराधार आरोप उनके ऊपर चस्पा करने की कोशिश की जाती, लेकिन आज के 30 वर्ष पहले हम लोग सुना करते थे हर
राजनीतिक पार्टी जो केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश करती थी, वह कहती थी हमारी सरकार बन जाएगी तो हम समाज में रहने वाले जितने परिवार हैं सभी परिवारों का बैंकों में खाता खोलने नहीं हो पाया। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 15 करोड़ से अधिक परिवारों का 7 महीने के अंदर भी खाता खुला है, वह केवल भारत में खुला है और कहीं खुला है, केवल भारत। और इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसकी तारीफ की है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वह दर्ज हुआ है। अभी हाल में ही अटल पेंशन योजना 12 रुपया साल में जमा कर दीजिए, 12 रुपया माने साल, माने हर महीने 1 रुपया, तो आपका 2 लाख का दुर्घटना बीमा हो जाए। जीवन ज्योति बीमा योजना 330 रुपया जमा कर दीजिए, 2 लाख रुपये का बीमा हो जाए। अटल पेंशन योजना में 1000 रुपया जमा कर दीजिए, 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपया महीना आपको पेंशन मिले। किसने यह योजनाएं लागू? लेकिन जब इसका लाभ मिलना लोगों को प्रारंभ होगा तभी एहसास हो जाएगा। भविष्य के प्रति लोगों को भरोसा और विश्वास मन में पैदा करने की यह कोशिश हमारी सरकार ने की है। आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं जानता हूं किसानों के लिए हम लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और इस हकीकत को हम लोग समझते हैं कि जब तक इस हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक ये हिंदुस्तान किसी भी सूरत में खुशहाल नहीं हो सकता। और मैं भी किसान परिवार का हूं और मैं जानता हूं कि चाहे किसान के पास कितनी भी अधिक जमीन क्यों ना, लेकिन खेती अब मुनाफे का पेशा नहीं रह गया है बल्कि खेती बराबर घाटे का पेशा रह गया है। खेती को भी कैसे मुनाफे का पेशा बनाया जाए इसके लिए कई योजनाओं पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। भविष्य में कुछ ही महीनों के बाद उन योजनाओं के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। लोगों को रोजगार देने के दृष्टि गरीबों के बच्चे, सभी डॉक्टर सभी इंजीनियर नहीं बन सकते लेकिन उनके अंदर स्किल कैसे डेवलप की जाए, कैसे हुनर पैदा किया जाए कि अपने गांव में अपने क्षेत्र में रहते हुए भी अपना छोटा मोटा कारोबार कर सके। कारोबार करने के लिए पैसा चाहिए, कहां से मिलेगा? बैंक में जाते हैं तो तरह तरह की औपचारिकताएं उन्हें पूरी करनी होती है। मुद्रा बैंक हम लोगों ने बनाया है, 20,000 करोड़ रुपया उसमें डाल दिया है। यदि कोई ठेला भी यदि लगाना चाहता है, घर में पैसा नहीं है, तो वह मुद्रा बैंक में जाकर एक फॉर्म भरकर दे देगा, वह 5,000, 10,000, 50,000 से लेकर 10 लाख तक यदि कर्ज चाहता है तो मुद्रा बैंक से उसे कर्ज मिल जाएगा और अपना वह रोजगार चला सकता है। सारी समस्याओं पर पहली नजर रखते हुए आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों ने जिस अपेक्षा के साथ सरकार केंद्र में बनाई है उन अपेक्षाओं की कसौटी पर हम खरा उतरेंगे, यही हमारी कोशिश है। आज के अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और जिन लोगों ने इस श्री बालाजी के भव्य मंदिर को बनवाने में अपना योगदान किया है उन सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।